सुषमा जी अब आप हमें क्या बना के खिलाने वाली? अब मैं आपको बना रही हूँ पनीर मोतिया। पनीर मोतिया, ओके। पनीर मोतिया बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दूकस किया पनीर, भीगा हुआ छोटा साबूदाना, एक छोटा चम्मच शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च बारीक कटी, एक बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, दो बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा, नमक स्वादानुसार, तलने के लिए तेल। पनीर मोतिया के लिए ये मैंने साबूदाना लिया है, भीगा हुआ और छान के, पानी नहीं देना चाहिए जी। ये है इसका पनीर, पनीर को कद्दूकस किया है मैंने। कितना पनीर आपने लिया है इसके लिए सुषमा जी? ये मैंने लिया है करीब 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम, एक लीटर दूध में करीब 200 ग्राम पनीर। ठीक है, सेंधा नमक, नमक तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं जी। ये है चिली फ्लेक्स जी, ये है शिमला मिर्च जी, वो भी आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्वांटिटी जी। ये है हरी मिर्च बारीक कटी, ये हरा धनिया बारीक कटा, और ये है सिंघाड़े का। अच्छा, आप इसमें चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, जैसे बहुत से लोग तो जो इस टाइप की चीजें होती है ना, जो नमकीन चीजें होती हैं जी, उसमें काजू मूंगफली कम पसंद करते हैं, और बहुत से लोग को अच्छा भी जी, ये अपने अपने टेस्ट के ऊपर है जी। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं डाला है, मैंने इसका तो ये भी डिश आपका ही एक्सपेरिमेंट है? ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो आप घर में भी बना करके खिलाती हैं सुषमा जी? हाँ, अक्सर तभी तो रहता है कि भी क्या चीज अच्छी बनी है और क्या मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकती हूँ। ओके, अच्छा इसमें क्या है कि जी, इसमें जैसे चाहे आप इसको शेप दे सकते हैं जी। अगर आपके पास स्टिक्स हैं तो आप इसको करके बीच में जैसे लॉलीपॉप जैसा शेप जी 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 है, आप चाहे इसमें बॉल्स बना के इसको वैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड। ओके, तो इसको भी क्रंची करने के लिए हम कोटिंग करेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसे। अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने साबूदाना मिलाया है ना, तो उसका अपने आप ही देखिए जी, हाँ ये हो गया। सुषमा जी आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं या फिर थोड़ा गैप भी देते हैं आप? नहीं, क्या है कि मुझे तो देखिए खाना बनाने का ज्यादा शौक नहीं था, और मेरे हस्बैंड को जबरदस्त शौक है खाना बनाना, उनको बहुत पसंद है, मतलब कोई नई नई चीजें हो जी, पर वो दिखने में भी उनके हिसाब से अच्छी होती जी। प्रॉपरली अंदर तक पक गए, इसके ऊपर तक तो गोल्डन ब्राउन दिखते हैं, लेकिन कई बार अंदर से कई मैंने आपको बताया ना, तेल का फर्क पड़ता है। जैसे आपने ज्यादा तेल तेज गर्म कर लिया तो अंदर से वो कच्ची है, ब्राउन जी बरस हो जाएंगे जी। आपने तेल थोड़ा सा जैसे कच्चा रहा तो वो तेल पी जाएगा दोस्त आपका, तो वो भी नहीं रहेगा। देखिए अब ये ब्राउन होने लग गए हैं जी, तो मैं उसको निकाल रही हूं। इसके लिए आप किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लें, जिससे कि ये है थोड़ा सा अगर कोई बाई चांस तेल हो जी तो सोक कर ले। हम इस पे रख के सुषमा जी आपके लिए लगे नहीं का एक अपना खुद का महत्व है, और जिस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं सुषमा जी, वैसे आप भी कर सके थे।
कभी करने का सोचा या फिर आप खुद ही ट्राई करना पसंद करती हैं हमेशा? मैंने बहुत पहले एक बेसिक कोर्स किया था जिसमें वो सिखाते थे सब्जी वगैरह कैसे काटते हैं या क्या। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जब एक बार हो जाता है फिर आपको इंटरेस्ट आने लगता है, फिर आपको ये सब की चीजों की जरूरत नहीं रहती है। बिल्कुल, तो आपको शुरू से ही खाना बनाने का शौक था? शुरू से तो नहीं कह सकते हैं, पर बाद में हुआ और फिर जब हुआ तो फिर अब ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि तरह तरह की क्या चीज मैं बना सकती। जी, एक्चुअल में आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं जी, अगर आप देखें, अगर आप उसी बात को सोचते रहें दिन रात की हम क्या नया बना सकते हैं जी, तो आपका दिमाग उस पर लगने लगता है। कोई भी जैसे बिजनेस ही अपन शुरू करते हैं जी, तो चूंकि मेरे को नेम और फेम दोनों मिला अपने कुकिंग से तो नेचुरली वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये बन के रेडी हो गया है और इतना खूबसूरत लग रहा है सुषमा जी, सीरियसली ये है पनीर मोतिया जी, आप टेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सुषमा जी। दर्शकों